हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं जैन अहमद, ये फिर नई नस्ल के नुमाइंदे हैं और ये कस्तन तो जराय अब्लाग से मुतालक हैं, यानी ये एक टेलीविजन डायरेक्टर हैं और थिएटर से रोजी कमाया करते हैं, ये मुझे बताते हैं। लेकिन ये कि इनको यहाँ बुलाने की वजह तस्मिया ये थी कि जब पहली दफा एटमी तजर्बा हुआ हमारे यहाँ, तो इन्होंने चंद और होशमंद नौजवानों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन वॉलंट्री बनाई थी जो कि अब भी काम कर रही है, उसका नाम है क्रेन्स फॉर पीस। और इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के नीचे ये न्यूक्लियर इशू के ऊपर मुबाहिसे करवाए, ड्रामे करवाए, एग्जिबिशंस करवाई। आइडिया ये था कि लोगों तक ये हॉलनाकी की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, लोगों को मालूम हो सके कि हम जिस राह पे चल पड़े हैं और जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम वागा पे जाके मिठाइयाँ बांटते हैं और नाचते गाते हैं, वो दरअसल एक बहुत बहुत खतरनाक अमल है और सिर्फ हमारे लिए नहीं इंसानियत के लिए। तो अब मैं जैन अहमद से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, हमें बताएं कि जब उन्होंने क्रेन्स फॉर पीस बनाई क्या अवामिल थे उसके, क्या मुहरकात थे, फिर उनको क्या मसाइल दरपेश आए, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं इनके ख्याल में, क्योंकि कौमें आइंदा वाली नस्लों से जिंदा रहती हैं। तो ओवर टू जैन अहमद। जब पहली दफा ये न्यूक्लियर टेस्ट से लोगों ने किए पाकिस्तान ने और इंडिया ने, तो हम लोग तो बहुत शॉक हुए थे। बहुत स्केरी सी एक बात थी कि यहाँ पर भी अब न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं, हम लोग एकदम से विद इन सेकेंड्स खत्म हो सकते हैं, बहुत खौफनाक बात थी। तो इसके बारे में हमने सोचा कि कुछ कर लेना चाहिए। एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने शुरू की, क्रेन्स फॉर पीस उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक जापान में ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जब न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए थे तो उसके बाद क्रिएट की गई थी। एक जो परिंदा है क्रेन, वो सिंबल ऑफ पीस है जापान में। एक 12 साल की लड़की थी सदाको, हु वॉज इन हिरोशिमा, जो कि हिरोशिमा में थी जब ये वहाँ अटैक हुआ, और उसको भागने का दौड़ने का बहुत शौक था, मगर रेडिएशन सिकनेस की वजह से वो बीमार हो गई और वो दौड़ नहीं सकती थी। एक लेजेंड है, मिथ फेरी टेल है जापान में कि इफ यू मेक 1000 पीस क्रेन्स, इफ यू मेक 1000 क्रेन्स, तो आपकी जो भी ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। तो उसने वो पेपर क्रेन्स बनानी शुरू की अपने हॉस्पिटल बेड पे बैठ के कि वो भाग सके, मगर वो जाहिर है रेडिएशन सिकनेस का कोई इलाज नहीं है और वो 1000 क्रेन्स बनाने से पहले मर गई। ये एक कहानी जब बाकी लोगों को पता चली, उसके दोस्तों को पता चली, तो उन्होंने एक मेमोरियल बनाया उसके लिए और एक मूवमेंट बन गई पीस क्रेन्स की, जो कि अब एक ग्लोबल मूवमेंट है। और हमने फैसला किया दोस्तों ने, हम लोगों ने मिलकर, कि हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमने भी सोचा कि ये कहानी एक इंस्पायरिंग कहानी है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे लोगों को बताने के लिए कि कुछ किया जा सकता है। तो हमने इसको फैलाने की कोशिश की। हम लोगों ने पहले तो पीस क्रेन बनाना सीखा, जो कि इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है, और हमारे कई मेंबर थे जिनको अभी तक नहीं आया। फिर उन दिनों में अक्टूबर में रफी पीर थिएटर फेस्टिवल हुआ, हमने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो हम उनको न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कुछ बता भी सकेंगे और इस मूवमेंट को फरोग भी दे सकेंगे। तो वहाँ हमने स्टॉल लगाया और पीस क्रेन्स बनाने शुरू किए। जो भी लोग आते थे वो पूछते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं। हम उनको बताते थे कि हम न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ हैं, इन वजूहात से खिलाफ हैं। उस जमाने में अभी इन बात की कि अब ये किताब भी है, स्टडी भी हो गई है, उस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास कोई फोटोकॉपीज नहीं थी, कोई ईमेल्स नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी, कुछ नहीं था।
सिर्फ हमारे पास एक ये ख्याल था कि ये गलत है, और जो हिरोशिमा की केस स्टडीज थी वो भी शायद एक गलत थी हमारे पास। और कुछ पोस्टर्स हमें मिल गए थे, उन्होंने एटॉमिक जो फाउंडेशन है अगेंस्ट एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स जापान में, उन लोगों ने कुछ पोस्टर्स हमें भेजे थे। हमारे पास 10 पोस्टर थे और बस जज्बा था। जो वो सवाल पूछते थे हम अपनी जितना हमें आता था, उस वक्त हम सब स्टूडेंट्स ही थे तकरीबन, जो हमें आता था वो हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते थे। सबसे बड़ा सवाल, सबसे फ्रीक्वेंट सवाल ये था, इंडिया के पास बम है हम क्या करें, हम ना कैसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल, कश्मीर का क्या होगा, क्या आप उसके भी खिलाफ हैं। हमने बड़ी मीटिंग्स की, हमारे 50-60 मेंबर, 100 मेंबर हो गए, हमने बड़ी मीटिंग्स की, बड़ा सोचा, हमें इसका हल नहीं मिला। शायद हम कम उम्र थे, शायद हमें अकल कम है, शायद हमें रिसर्च कम थी उस वक्त, हमें अभी तक, मतलब मुझको पर्सनली अभी तक इसका हल नजर नहीं आया। उसके बाद एक नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, हमारे 5 नुमाइंदे गए वहां इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई हमें हल मिल जाए। हमें नहीं समझ आया कि क्या हम क्या कह, क्या आवाम जो लोग हमसे पूछते हैं कि जी इंडिया के पास है तो अब हम क्या अपने खुद से छोड़ दें, अबैंडन कर दें, उसका जवाब हल नहीं मिला। कश्मीर का क्या करें पता नहीं, नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में हमें जवाब नहीं मिला। इंडो पाक पीस फोरम ने बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस की, हम लोग गए, 3 लोग थे हम, हमें जवाब नहीं मिला। यहां पे फिर उसके बाद उनका सेशन हुआ, वी वर विदाउट एन आंसर। इस सारे अरसे में हम लोगों ने अपनी कोशिश की, हम लोगों ने डिबेट्स करवाई, पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी और लम्स के थ्रू उर्दू में डिबेट्स करवाई हमने, हमने लेक्चर्स करवाए, खुर्रम हुसैन लम्स में पढ़ाते हैं, उन्होंने स्कूल में जाके लेक्चर दिया ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन न्यूक्लियर इशू के ऊपर। हम लोगों ने ऐसे राइटिंग कॉम्पोजिशन कराए जिसमें बहुत अच्छे ऐसेज आए। हमारा मेन फोकस था बच्चों और टीनेजर्स को फोकस करना, उनके अंदर शौक पैदा करना। दे आर अवेयर, लोगों को पता है, लोगों के इशू के बारे में पता है, लोगों को पता है कि ये मसला है, लोगों को ये नहीं पता कि इसका हल वो कैसे करें, वो क्या स्टेप उठाएं कि इसका पॉलिसी मेकर्स पर असर पड़ेगा। इवेंचुअली हम लोग भी कुछ घबरा गए, डगमगा गए कि वो क्या स्टेप है, हम कहां जाएं आगे। हम एक वॉलंटियर ग्रुप थे, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, सब अपनी जेब से पैसे लगा रहे थे, सबने मतलब अभी स्टूडेंट एग्जिस्टेंस अभी हमारा खत्म हुआ था, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, नौकरियां ढूंढनी है, ये करना है वो करना है, किस कोई स्टूडेंट है उसके इम्तिहान हो रहे हैं, आगे कहां जाएं। कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जो कि कोई स्टैंड लेने को तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टी से वैसे ही जरा सब लोग घबराते हैं कि इसमें कहां खो जाएंगे हम। एनजीओज से भी लोग जरा घबराते हैं कि वो एक ब्यूरोक्रेसी बन जाती है, उनका फंडेड एजेंडा होता है, कुछ परेशान से हो गए हम कि कहां आगे कैसे बढ़ते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके इंटरेस्ट बदल गए और हम बिखर से गए। कुछ लोग जो हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं इसी में, बिलाल सिद्दीकी हमारे मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, वो भी अभी तक कर रहा है। कुछ जर्नलिस्ट बन गए, कुछ सब ने अपने अपने हिस्सों में अपने अपने शोबों में काम जारी रखा, मगर ये अभी तक हमको हल नहीं मिला है और अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास है कोई आइडिया तो जरूर बताइएगा। जो एक और एक्सपीरियंस हमारा रहा, लोग शुरू में ये सवाल जरूर करते थे, हम लोग कहते थे कि जी इनका ये एक रियासतों का आपस में झगड़ा है, ये बहुत पुराना है। जब आप किसी इंसान को मिलते हैं, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आपस में लोग मिलते हैं, उनसे तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है, तो उनको क्यों आप मारना चाहते हैं। तो लोग ये मान जाते थे कि हाँ, हम इंसानों को तो नहीं मारना चाहते, हम खुद मरना नहीं चाहते,
कि हम नहीं चाहते कि इंडिया हमारे ऊपर एटम बम इस्तेमाल करे, ना ही हम चाहते हैं कि वहां पे बंबई में या दिल्ली में गिर जाए. बट इट केप्ट कमिंग बैक टू कश्मीर, टू दी आर्मीज, कि वो दोनों लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम क्या करेंगे. इट केप्ट कमिंग बैक टू दैट. लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया. हम लोग उर्दू बाजार गए जी कागज खरीदने के, जी हमें क्रेन्स बनानी है. उन्होंने पूछा जी किस लिए, हमने वो कहा कि जी हमें इस साइज का 6 इंच बाय 6 इंच का पीस काट के दे. तो उन्होंने पूछा किसके लिए चाहिए. हमने कहा जी हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये लोग कर रहे हैं, हम बच्चों में ये फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको. उन्होंने कहा आप ये फ्री ले जाए, आप हमें बताएं आपको कितना चाहिए, आप बताएं किस दिन आप आएंगे पिक करने, हम काट के लिए आपके रखेंगे आपके पास, आप फ्री ले जाएं. आपको बड़ा साइज, हमने आर्ट कॉम्पिटिशन करना है, उन्होंने कहा ये आपको हम गत्ता देंगे, फ्री ले जाएं आप. डियर जो पेंसिल्स बनाने वाली कंपनी, हमने उनको जाके कहा जी कि हम ये आर्ट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इट्स फॉर पीस, इट्स फॉर रेजिंग अवेयरनेस, वी वॉन्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस दमसेल्व. उन्होंने कहा आप पेंसिल ले जाएं, फ्री ले जाएं, हम डोनेट करेंगे. आप आर्ट कॉम्पिटिशन करेंगे उसके लिए आपको प्राइजेस चाहिए होंगे, आप वो प्राइजेस ले जाएं. द अवेयरनेस इज देयर, people want to do something. We felt we could not tell them what to do. हम ये उनको नहीं बता सकते थे कि आप क्या करें. हमने कमजोरी थी. If you have ideas, अगर आपके पास ideas हों जरूर बताइए. Thank you.